बहुत समय पहले की बात है, गंगापुर गांव में एक जमींदार किशन रहता था। जमींदार किशन की पत्नी गौरी रहती थी। किशन को एक लाडली बेटी राधा थी। किशन के पास बहुत ज्यादा खेत खलिहान था। ज्यादा खेतीबाड़ी होने के कारण किशन के खेतीबाड़ी संभालने के लिए नौकर रहता था। नौकर कन्हैया और उसके दादी दोनों साथ ही रहता था। कन्हैया के माता पिता उसके बचपन में छोड़ के चल गए थे। उस दिन से कन्हैया अपने दादी जी के साथ ही रहता था। एक दिन राधा अपने माँ से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटी, क्या हुआ? क्या बात है? अपने पास तो कोई चीज की कमी नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वो अपने खेतों में काम करता है कन्हैया, उसे मैं पसंद करती हूँ, उससे मुझे शादी करवा दो माँ। ये तू क्या बोल रही है? तुम उस दो कौड़ी के नौकर से शादी करना चाहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपनी औकात तू देख, उस दो कौड़ी के नौकर की औकात क्या है? अपनी गाँव में कितनी इज्जत है, सब इज्जत को तू मिट्टी में मिलाना चाहती है। मैं तुम्हें शादी पड़ोसी गाँव के बहुत बड़े घर के लड़कों से शादी करवाऊंगी। राधा कन्हैया को पसंद करती थी, लेकिन राधा की मम्मी नहीं चाहती थी कि दोनों को शादी हो, क्योंकि कन्हैया एक गरीब नौकर था। एक दिन राधा की मम्मी किसी काम से कन्हैया के घर जाकर आवाज लगाने लगी, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया, घर से बाहर निकल। घर से बाहर कन्हैया के दादी जी आई और बोली, क्या बात है बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? ओ बुढ़िया, कन्हैया कहाँ गया है? बेटी, कन्हैया तो कोई काम से बाहर गया है। ठीक है, काम पर से आएगा तो उसे मेरे घर पर भेज देना। ठीक है बेटी। तभी राधा की मम्मी गौरी घर जा रही थी, तब रास्ते में सांप ने काट लिया। तब वह बोली, अरे मुझे क्या काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मुझे तो सांप ने काट लिया, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी इस रास्ते से कन्हैया आ रहा था, तो ये आवाज सुनकर वह बोला, अरे ये आवाज कौन लगा रहा है? अरे ये तो राधा की माँ है, क्या हुआ माँ जी, आप आवाज क्यों लगा रही हो? अरे कन्हैया, मुझे एक सांप ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। तभी कन्हैया उसके पैरों में एक कपड़ा बांध देती है, ताकि वह विष पूरे फैले ना, और थोड़ी देर में राधा की मम्मी ठीक हो जाती है। तभी वहाँ राधा के पापा और कन्हैया के दादी आ जाती है। कन्हैया के दादी बोलती हैं, क्या हुआ बेटी? अरे अम्मा जी, मुझे तो एक सांप ने काट लिया, लेकिन कन्हैया ने मुझे बचा लिया। अरे बेटी, तुमको कन्हैया से कोई काम था ना? हाँ, कन्हैया से मुझे यह काम था कि वो मेरी बेटी राधा को पसंद करता है, तो मैं फिर शादी का डेट कब निकलवाऊंगी? मुझे इतना औकात नहीं कि तुम जैसे बड़े घर में अपने पोते कन्हैया को शादी कराना। पैसों से ज्यादा इंसानियत की कीमत है, मैं कन्हैया को अपने घर का नौकर समझती रही, लेकिन ये कन्हैया ने आज मेरी जान बचाया है। मैं अमीर के लालच में अंधा हो गई थी, लेकिन आपके पोते ने तो मेरे आंखें खोल दिया। कन्हैया बेटा, बोलो मैं शादी का डेट कब रखूं? मैं क्या बोलूंगा माँ जी, मेरे दादी जी से पूछ लीजिए, जो बोलेगी मैं वही करूंगा। तभी दादी जी बोलती है राधा के मम्मी गौरी से, बेटी तुमको जो डेट अच्छा लगे वही रखो। तो ठीक है अम्मा जी, अब से आप दोनों को अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों आज से ही मेरे घर पर रहिएगा। बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन से सब एक घर में खुशी खुशी रहने लगा।